और उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने 24 घंटे के अंदर ही अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बुधवार को रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भरा, जबकि इसके एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को मौजूदा एसपी सांसद एसटी हसन ने इसी सीट से नामांकन दाखिल किया था। रुचि वीरा के नामांकन के बाद एसटी हसन का नामांकन रद्द हो गया है और इसकी जानकारी खुद जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी है। नामांकन के बाद रुचि वीरा ने अखिलेश यादव को मुरादाबाद से टिकट देने के लिए शुक्रिया कहा। इस दौरान उनसे एसटी हसन के नामांकन पर भी सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। देखिए, ये सब नियम की बातें हैं, आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। क्या मुद्दे रहने वाले हैं मैम इस बार चुनाव में, आप चुनाव देने जा रहे हैं? देखिए, इस बार की बात नहीं है, मेरा सबसे पहले मुद्दा तो ये है कि भाईचारा रहना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की लाज रहनी चाहिए, सब लोग आपस में विकास हो, तरक्की हो, ये होना चाहिए। अबुल कलाम आजाद चुनाव जीते थे, कहते हैं रामपुर के नवाब परिवार ने उनका समर्थन किया था। इसके बाद 1967 में नवाब रजा अली खान की सिफारिश से सैयद मोहम्मद मेहदी को टिकट मिला था और 1967 में भी रामपुर में कांग्रेस का जलवा कायम था, लेकिन इसके बाद नवाब खानदान ने किंग मेकर के बजाय किंग बनने का फैसला किया और नवाब रजा अली खान के बेटे जुल्फिकार अली खान ने 1967 में रामपुर से चुनाव लड़ा था, वो ये चुनाव जीत गए थे और इसके बाद वो कांग्रेस के टिकट पर 1971 का चुनाव भी जीत गए थे। 1977 में आपातकाल की वजह से कांग्रेस विरोधी लहर थी, इसलिए जुल्फिकार अली खान चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बाद वो 1980, 1984 और 1989 में लगातार तीन बार चुनाव जीते थे। नवाब खानदान के जुल्फिकार अली सेना में मेजर थे और उन्हें मिकी मियां भी कहा जाता था। उनकी मौत के बाद 1996 और 1999 में उनकी पत्नी बेगम नूर बानो भी रामपुर से सांसद चुनी गई थी और मिकी मियां के बेटे भी रामपुर से ही विधायक हैं। यानी आजादी के दो साल बाद भारत का हिस्सा बनने वाले रामपुर की सियासत में पीढ़ी दर पीढ़ी नवाब खानदान का दबदबा रहा। रामपुर की रियासत 1949 में भारत का हिस्सा इसलिए बनी क्योंकि तब के रामपुर के नवाब रजा अली खान और उनके बेटे मुर्तजा अली खान में अनबन हो गई थी। इसका फायदा रामपुर के मुख्यमंत्री बशीर हुसैन जैदी ने उठाया था और 1947 से 1949 के बीच रामपुर में खूब बवाल हुआ था, लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद रामपुर रियासत का भारत में विलय हो गया था और 1 दिसंबर 1949 को रामपुर को उत्तर प्रदेश का जिला घोषित कर दिया गया था। लेकिन भारत में विलय से पहले रामपुर 15 तोपों की सलामी वाली रियासत थी। तोपों की सलामी वाली ये प्रथा अंग्रेजों ने शुरू की थी और इससे पता चलता था कि किस रियासत का कद कितना बड़ा है और जिसका कद सबसे बड़ा होता था उसे किस तोपों की सलामी दी जाती थी और जिन रियासतों का कद कम होता था उन्हें कम तोपों की सलामी दी जाती थी। जैसे जोधपुर की रियासत के महाराज को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी और रामपुर की रियासत के नवाब को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। यानी अंग्रेजों के समय में रामपुर की रियासत का कद बहुत ऊंचा नहीं था और ये 1774 में अवध के साथ हुई एक संधि के बाद अस्तित्व में आई थी, या यूं कहें कि रामपुर की रियासत अवध से अलग होकर बनी थी। नवाबों के शासन से पहले रामपुर में कटेहर राजपूतों का शासन था और राजा राम सिंह वहां के राजा थे, उन्हीं के नाम पर रियासत का नाम रामपुर रखा गया था। लेकिन नवाब का शासन आने के बाद नवाब फैजुल्ला खां को रामपुर का नाम पसंद नहीं आया और उन्होंने रामपुर का नाम फैजाबाद रख दिया था। लेकिन बाद में नवाब फैजुल्ला खां को पता चला कि फैजाबाद नाम का शहर भारत में है, इसके बाद रामपुर का नाम मुस्तफाबाद कर दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि मुस्तफाबाद नाम से भी भारत में एक और शहर है, तो उन्होंने एक बार रियासत का नाम फिर से बदल दिया था और एक बार फिर रियासत का नाम रामपुर रख दिया गया था। और भारत में शामिल होने के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट बन गई थी। रामपुर लोकसभा सीट मुरादाबाद मंडल में आती है और इसकी सीमा से बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और मेरठ लोकसभा सीटों की सीमा लगती है। बड़ी बात यह कि रामपुर उत्तर प्रदेश की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। यानी रामपुर में जीत और हार की चाबी मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास है। इसका सबूत है वहां हुए 18 लोकसभा चुनाव के नतीजे। इन चुनावों में 11 बार मुस्लिम प्रत्याशी ही जीते, लेकिन कहते हैं कि आजम खान को रामपुर में सुन्नी समुदाय की ज्यादा आबादी का फायदा मिला था। आजम खान रामपुर से लोकसभा का चुनाव केवल महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।
ईडी रिमांड की मियाद खत्म होने पर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल की पेशी। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए दायर याचिका पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में गोवा के आप नेताओं को ईडी का समन्स। अमित पालेकर, रामाराव बाघा और दत्त प्रसाद नाइक को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की। शिवराज के खिलाफ विदिशा से प्रताप भानु शर्मा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट, गाजियाबाद से डॉली शर्मा लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी में शामिल हुई महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। ।2019 के लोकसभा चुनाव में वो वहां से जीते थे। इससे पहले वो रामपुर में विधायक रहे, लेकिन कहते हैं कि रामपुर से सांसद कौन बनेगा ये वही तय करते थे। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी में झगड़ा तक हो गया था और 2009 में जयाप्रदा के रामपुर से चुनाव लड़ने पर आजम खान नाराज हो गए थे। उन्हें पार्टी से निकालने तक की नौबत आ गई थी, हालांकि बाद में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मनाकर वापस बुला लिया था, क्योंकि आजम खान को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण में आजम खान का बड़ा रोल था और इसीलिए समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बाद आजम खान की ही हैसियत बड़ी थी। और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथों में आ गई थी और शिवपाल यादव और आजम खान दोनों का कद पार्टी में घट गया था। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का झगड़ा तो जग जाहिर हो गया था और कहा जाता है कि अखिलेश यादव को आजम खान का दखल भी बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए उन्होंने रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर अपनी पसंद का प्रत्याशी उतारा। लेकिन सूत्रों ने बताया कि जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश की नाक में दम कर दिया। उन्होंने एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की जो 2009 में जयाप्रदा को टिकट देने पर की थी, क्योंकि उस समय आजम खान ने जयाप्रदा के खिलाफ खुलकर प्रचार किया था और इस बार खबर आई कि आजम समर्थकों ने रामपुर में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसकी वजह से नौबत यह आ गई कि मुरादाबाद से अखिलेश को ST हसन की टिकट काटनी पड़ी और रुचि वीरा को टिकट देनी पड़ी। रुचि वीरा को आजम खान का करीबी कहा जा रहा है।